90 सेकंड्स है आपके पास, ओके? और इस 90 सेकंड्स में आपको अपना 3 बेस्ट मूव्स दिखाने हैं, ओके? सो ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, हियर वी गो इन 5, 6, 7, 8, म्यूजिक. जब आप डांस करते हो ना तो इट लुक्स लाइक यू आर टेकिंग द होल स्टेज विथ यू. थैंक यू सो मच. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप किस तरीके से इसको बीट्स को डाल के इसको एंजॉय करे थे, जो फनी गैग्स थे, एनर्जी, एक्सप्रेशन, मुझे बहुत ही फ्रेश लगा. I like it. Kunal, dancing अच्छा था, expressions थे, entertaining था. तो मैं कहूँगी कि मेरी तरफ से definitely मुझे लगता है कि अमन को जो मौका मिला है ना थोड़ा सीखने का, वो आपको भी मिलना चाहिए. इसलिए मेरी तरफ से भी हाँ है. Thank you so much. All the best and roll sound. केला ठहरा था. तारों की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी. जाने कहां से रासिर जाने आया छैला गिर भारी. I want to know, sitting inside and pulling the strings in her stomach, on beat, on time, and while moving also. Yeah. Lovely. तो देखो चेहरे देखो कितने खुश हैं वहाँ पे. स्नेहा, जिस तरीके से आपने
अंग अंग से खेला है धुमक धुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी। और मूवमेंट के साथ चलते चलते अपर बॉडी कुछ और कर रहा है, लोअर बॉडी कुछ और कर रहा है। वेरी क्लेवरली कोरियोग्राफ। दिस वाज अ चुम्मेश्वरी। थैंक यू सो मच। ये बनता है, ये बनता है तेरे लिए। द क्राउन बिलोंग्स टू यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपका परिवार ऐसे खड़ा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू मैम। आप सबके बीच में एक आई कैन सी द बॉन्ड। मम्मी जी से पूछना चाहूंगी, आज स्नेहा का परफॉर्मेंस कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपकी एक ही बेटी डांस करती है कि सारी बेटियों में कुछ ना कुछ गुण है? पढ़ने में सब अच्छी है मैम। इनसे जो छोटी वाली वो भी इंजीनियर करी है, पूरी पढ़ाई पूरी। अच्छा? सब करी, डांस भी सब अच्छा करती है। वाह वाह वाह। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई होगी? जी 16 साल की जब ना मैं 10वीं पढ़ रही थी तब हो गई थी शादी। तब हो गई थी आपकी शादी? जी। पहली बेटी आपकी किस उम्र में हुई है? 16 या 17-18 में हो गई है। फिर वो दो ढाई ढाई साल के तीन। आप तो बहुत छोटी थी खुद ही, फिर भी आपने फिर एक और बेटी कर ली। इसलिए हो गई। इस बार फैमिली में यह है कि एक और शायद है कि बेटे के चक्कर में सभी हो गए। बेटे के चक्कर में हो गया? दादी लोग बोलती थी ना कि एक शायद तीन के बाद हो जाए, शायद पांच के बाद हो जाए। इनको आना था ना, इनको आना था। बेटा नहीं आना था। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया है और हर जीरो को हीरो बनाने का काम किया है मुंबई ने। किसी के लिए ये सपनों की नगरी है तो किसी के लिए ये माया नगरी है। किसी की एक तरफा मोहब्बत है तो किसी का फॉरएवर वाला प्यार। मुंबई में सपने बनते भी हैं, बिखरते भी हैं, लेकिन संवरते भी हैं। मुंबई स्ट्रगल भी दिखाता है और सक्सेस भी। इसका कोई नहीं है, इसका मुंबई है। सपनों का दूसरा नाम है मुंबई। हर सपने को देखने वाले का पहला प्यार है मुंबई। मुंबई कभी सोता नहीं है लेकिन सपने पूरे करता है। ऊपर वाले ने लिखी हुई किस्मत कोई बदल सकता है तो वो मुंबई है। मुंबई मेरी जान। मुंबई में सपने पूरे होते हैं ये हर कोई मानता है, लेकिन वो सपने कब पूरे होंगे ये कहां कोई जानता है। कुछ सपने ऐसे भी हैं जिनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता। Then we have the next contestant on stage, please. Hi ma'am. Hi sir. Hi ma'am. Hello. Ready? Yeah. Let's go. 3, 2, 1, music.
I have to say this to you that कि एक पिक्चर जो आई थी जिस वो कमाल की पिक्चर थी एंड उसमें एक गाना था और वो अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में बजता है इस दीवाने लड़के को मैं थी उस गाने में yeah you were there I was assisting and पीछे पता है वो एक सेक्शन था उस गाने में जहाँ पे we shot at SL World the water वहाँ पे पीछे एक wave pool है उसमें भी मैं हूँ लेकिन अगर मैं नोटिस करता लेकिन सोनाली मैम सामने थी तो मैं नोटिस नहीं किया सामने कोई नहीं दिखा ये चलो Ready? Music. कैसा लगा परफॉर्म करके बहुत अच्छा इंटेंशन आपका यही है कि आप डांसर बनी रहें आर्टिस्ट बनना चाहती हैं क्या है मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहती वैसे डांसर भी हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेती हूँ दिख रहा है वो नखरे वाला एक एलिमेंट चाहिए था वो मुझे मिल गया मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस आप एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती है थैंक यू अंकिता मला तुझा परफॉर्मन्स खूप आवडला धन्यवाद आपके साथ आपके पापा आए हैं यस नमस्ते नमस्ते मॅडम कसा वाटला तुम्हाला मुलीचा परफॉर्मन्स एकदम जबरदस्त भन्नाट एकदम जबरदस्त भन्नाट वाह आपने हमेशा ही सपोर्ट किया है उसको वो बचपन से 5-6 साल से ही डांस कर रही है उसके माता जी का उसको बहुत सपोर्ट था मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। आप स्टेज पे आ जाइए। आप कुछ कह रहे थे? अभी क्या हो गया? कि 2 साल पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई कोरोना से।
बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि शादी का माहौल था, मतलब मम्मी की जो बहन है उनकी शादी नहीं हो रही थी तो मम्मी ने ही फिक्स करवा दी थी उनकी शादी और पूरा वो सब मम्मी देख रही थी। बट जैसे शादी हुई, शादी के कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गई और तब कोरोना का ही टाइम था और उसे लगा कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो बाद में इतना बढ़ गया और तब एक महीने तक मम्मी हॉस्पिटल में थी। पहले पहले बहुत बात होती थी, मतलब दिन में एक बार या सिर्फ मैसेज थ्रू, धीरे धीरे वो कम होता गया तो व्हाट्सएप में एक ही मैसेज पूरे दिन में। तो वेट करो कि अब सीन, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि सीन कर लिया तो वही कि मतलब अच्छे से है, मतलब कि एटलीस्ट फ़ोन तो ले पा रही है। फिर एक महीने वेंटिलेटर में थी तो कोई बात होती नहीं थी और फिर एक दिन मतलब समझ में आया कि अब वो नहीं रही। आपको कभी वक्त मिला मिलने के लिए? नहीं। जब भी हमारा नोकझोंक होती थी या फिर मैं कुछ नहीं सुनती थी या फिर कुछ गलत करती थी तो वो बोलती थी कि लाइक मेरे जाने के बाद समझ में आएगा। तब बहुत गुस्सा आता था कि लाइक ऐसे क्यों बोल रही है कि या क्यों। तो बट आज अभी वो कुछ चीज़ें समझ में आती है, वो जाने के बाद ही समझ आती हैं। तो ऐसे टक्कर वाली, टशन वाली, फाइटिंग वाली ऐसे रहते थे। तो अभी एक जो मेरा झगड़ा पार्टनर है या फिर कोई बात करने का है तो वो तो अभी है नहीं, मतलब टूट के सपना गरे उखड़े चुभते हैं जैसे दर्द के टुकड़े बिखरे हुए। मैं जो भी काम करती थी वो सब वो कर रही है। चीज़ें सब जगह पे होना चाहिए, ये तो उनकी मेरी बेबी की जैसी जिम्मेदारी थी वैसी थी कर। अभी जो ये उनके लिए करना है तो याद तो आती है, लेकिन संभालना है। नींदों में पाखी पलकों के द्वारे कोई। इतना सिखा के गई है कि ना सिर्फ घर संभालना बट घर के लोगों को संभालना या फिर खुद को संभालना या फिर खुद के ड्रीम्स को करना, ये सब वो सिखा के गई है और अभी सिर्फ इतना ही है कि वो करना है। सपने ही बाती से जलते, सपने ही सच में बदल। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते सपने ही बाती से जलते सपने ही सच में। अंकिता आप स्ट्रांग हो, आप घर का ख्याल रख रही हो, पापा का ख्याल रख रही हो, अपना पैशन फॉलो कर रही हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, रियली। आपकी मम्मी का नाम क्या था? मंजुषा।
उसका खुद का ड्रीम था कि वो किसी दिन डांसर बने, फेमस हो जाए या फिर कोई एक्ट्रेस बने, क्योंकि वो जो मेरे में आया है एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट, तो वो सब उन्हीं से आया है। मम्मी आपको क्या बुलाती थी? वैसे तो पिल्लू या बच्चा कहती थी। पिल्लू। मंजू जी मल्टी टैलेंटेड मुलगी पिल्लू। ओके ऑल द बेस्ट। अंकिता, आई डू होप एंड आई डू प्रे कि आप अपनी माँ का ड्रीम पूरा करें, तो इसीलिए पिल्लू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू अंकिता। आई फील यू हैव दैट पोटेंशियल, तो I want to give you a chance. So on that basis, अभी मेरे को भी हाथ चाहिए। आज का ये जो बैज है ये मंजूषा के लिए है। बिखरे से नाजुक टुकड़े उठाते, जुड़ते जुड़ाते फिर मुस्कुराते, सपने ही बाती से जलते। इस कोविड स्टोरीज में क्लोजर नहीं मिलता ना इसमें। अगला कंटेस्टेंट आ जाए प्लीज। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। आर यू ऑल सेट? यस मैम। कम ऑन, किल इट। ऑल द बेस्ट। रेडी एंड रोल साउंड। हाय। हाय मैम। अपना नाम बताएं।
मैम मेरा नाम अजिंक्य काड़ोके है। कहाँ से हो अजिंक्य? सर मैं मुंबई से ही। मुंबई से हो, और कुछ बताइए ना अपने बारे में। पानी चाहिए? हाँ ओके, थोड़ा ब्रेथ, नो प्रॉब्लम, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। यू ओके? क्या हुआ? नहीं सिर्फ सांस ले रहा था। सांस ले रहे हो? आपकी उम्र क्या है? 29 वेरी क्लोज, क्योंकि हमारा एज लिमिट है 30। अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप डांस कर रहे हो? पिछले 9 to 10 ईयर से सिर्फ डांस शोज में ही मैं असिस्ट कर रहा हूँ को। क्या हुआ है? सांस लेने में तकलीफ है, 2 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, टेक योर टाइम। यू वांट सम वाटर? नहीं मैम। श्योर? ओके। आपने कहा आपकी उम्र 29 है, यहाँ पे लिमिट 30 का है, आप क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्योंकि मैम मतलब मुझे एटलीस्ट खुद को एक चांस देना है कि मैं ये स्टेज पे एटलीस्ट एक बार परफॉर्म कर सकूं, और मुझे करना था पहले से ये, बट कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके लिए मैंने नहीं किया। बट अभी लास्ट मैंने सोचा है कि ट्राई करूंगा एक बार। लास्ट अपॉर्चुनिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ सकती हूँ क्या थी? मेरे घर पे मतलब मेरी मॉम नर्स है, और डैड का एक छोटा सा बिजनेस था जो ठीक नहीं चल रहा था थोड़े टाइम पहले, तो तब से फिर मैंने डांस में मतलब मैं अर्न कर। तो आप अर्निंग आपने शुरू की, तो कहीं पे सपना था कंटेस्टेंट बनने का, वो रह गया और आपने अर्निंग शुरू की। यस मैम। ओके आई अंडरस्टैंड। तो वो करते 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 मैम 9 साल हो गए, और मैं वो ऑडिशन दूंगा 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 ऐसे सोचते सोचते भी मैम अभी तक आ गया, और अभी 29 हुआ हूँ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ करने का, नहीं तो शायद वो भी काम करते जाता। क्या है ना अजिंक्य, आई रिलेट टू यू, क्योंकि मैं भी निकली थी अपने घर से यही सोच के कि करना मुझे कुछ और था, और हालात ऐसे थे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो उस वक्त की ज़रूरत ने मुझे उस अलग मोड़ पर ले गए वो, क्योंकि वो मोड़ मेरे लिए आज ये कुर्सी उस मोड़ ने दिया है। मुझे लगता है आपने डांस को इतना वक्त दे दिया है कि डांस आपके वक्त को बदलेगा। थैंक यू मैम। और आपका वक्त आएगा, सो डोंट लूज होप, दिस इज नॉट योर लास्ट ईयर, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ मेनी ईयर्स टू कम, ये सोचकर आप आगे बढ़िए। मेरे लिए डेफिनेटली हाँ है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। इट्स अ यस फ्रॉम मी टू। थैंक यू मैम। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, और आपके पास तजुर्बा भी है, तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ, तो आई एम गोना गिव यू अ चांस। थैंक यू। Yes. क्या करने आई थी? I wanted to be an air hostess. Yes, I was studying for that. I did my entire ITA course. Oh. Applied to several airlines. I got rejected by a certain airline 6 times over. Then I applied to many airlines in those days. Then my eyesight was an issue. But then when you are in a situation, वो situation बदलती तो नहीं है ना, वो सिर्फ और खराब होती जाती है। सो ऐसा इतना इंतजार नहीं हो पाएगा, मतलब जो काम आया करते गए क्योंकि वो जुटाना था, पैसे जुटाने थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी थी, वक्त हालात थोड़े और ख़राब होते गए। सो देन आई वॉज लाइक डू वट एवर इट टेक्स, वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है।
आपका नाम बताइए ना प्लीज। मेरा नाम विक्रम शेरगिल है, मैं हरियाणा तो बिलोंग करना, मेरा छोटा जा पिंड है नीलोखड़ी उतो। ओके, हाँ जी। आज क्या करेंगे आप? मैं क्रम। वेरी नाइस, आप रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी। आइए। एंड रोल साउंड। सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका। एक दिन से भुला दूंगा मैं उसके निशान, मिटा दूंगा मैं चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे वो सच कह रहा है दीवारा, दिल किसी से लगा रहा, झूठे है यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। नमस्ते जी, बहुत अच्छा, सत श्री अकाल। Vikram, I have to say this is one of the rarest Krum performances I've seen where I could see the emotion correct. Ek din se bhula dunga main uske nishaan mita. Mitaoge was beautifully done. Uske baad bata dena jis tarike se aapne tap kiya. Very beautiful, very gentle. Aur ek, you know the best thing is Krumpers mein itna taakat hota hai ki they go very aggressive, they forget how to be soft. And in your performance as a crumper, I found a lot of softness, Shukar, which was thank beautiful. Thank you, and sir. It was not just that. Aap convey kar rahe the. Aap usko feel kar rahe the. Aap usko enjoy kar rahe the. Aap usko mehsoos kar rahe the. Isliye wo ehsaas yahan tak pahuncha hai. Thank you very much for doing this. All the best. India's best dancer mein kal hai auditions ka aakhri din. Jahan dikhega shandaar dhamakedar dance. जब इंडिया के बेस्ट के पास होगा बेस्ट बैज जीतने का आखिरी चांस। एकदम हीरो सर का नाच बस। कितने महीने हो गए ब्रेकअप का? सर 2 साल। लेकिन आपने कोशिश नहीं करी? मैंने कोशिश की, मैंने सोचा एक पप्पी दूंगा तो। पप्पी? डॉग वाला पप्पी सर, बच्चा। डॉग वाला। तू जो छू ले प्यार से आराम से जाऊं। आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। तुमका फिर से देख सकती हूँ। ब्यूटीफुल।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.